गाइस, वेलकम टू आइसोटोप क्लासेस। आज हम फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है आपके नीट एग्जाम के लिए, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने इस टॉपिक को यहाँ पर चीज़ें पढ़ी होती है, लेकिन कुछ चीज़ें क्या होते हैं, हर यूनिट के स्टार्ट होने से पहले एक फ़ोटो दी हुई है ना, उस फोटो में एक साइंटिस्ट दिए हुए हैं। साइंटिस्ट के बारे में कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग स्किप कर देते हैं। मैं स्किप नहीं करने दूंगा क्योंकि मुझे पता है एग्ज़ाम में सवाल कहीं से भी आ सकता है ना, और हर एक सवाल की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, चाहे वो सवाल सरल हो, चाहे कठिन हो, इट इजी हो, चाहे टफ हो, सवाल की इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि चार नंबर हर क्वेश्चन कैरी करता है, ठीक है? तो जिन लोगों ने पढ़ा है वो रिवाइज कर लें, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ लें, क्योंकि मुझे पता है सवाल कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि इस बार एम्स, जिपमर और नीट तीनों एक साथ हो रहे हैं, कंबाइन में सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है। और नीट जब एम्स होते थे तो ऐसे सवाल बहुत आया करते थे कि वो इमेज देखकर आपसे पूछ लेते थे, बताओ कौन है, ठीक है, उनके बारे में कुछ विशेषताएं पूछ लेते थे। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें ही, जो चीज़ें आप छोड़ रहे हो वो मत छोड़ो, आओ। मैं ये मेरा साइंटिस्ट के रिलेटेड ये कुछ पहला वीडियो है, उसके बाद में और जितने इंपॉर्टेंट जितने साइंटिस्ट हैं एनसीईआरटी में सब के बारे में ले आऊँगा, ठीक है? और जैसा कि आपको इंतज़ार रहता है मेरी ट्रिक्स को लेकर, तो बहुत सारी ट्रिक्स मैंने बना रखी है आपके लिए। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, मेरे पास कुछ चीज़ें अवेलेबल ना होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ आपके लिए, सॉरी फॉर दैट। बट जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, चीज़ें मेरे पास अवेलेबल होंगी और मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे शानदार वीडियो ट्रिक्स लेकर आऊँगा और आपको मज़ा ही आ जाएगा। और आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है अर्नेस्ट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट की, सबसे पहले 11th क्लास के एनसीईआरटी में पहले ही चैप्टर के पहले ही पन्ने में ये दिए हुए हैं। इनके बारे में कुछ लोगों ने पढ़ा है, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा, जो पढ़े हैं रिवाइज करें, जो नहीं पढ़े हैं वो पढ़ लें, ठीक है? क्योंकि सवाल आया है पहले भी, इस बार भी आ सकता है, कुछ कह थोड़ी सकते हैं, ठीक है? आओ जरा, तो अर्नेस्ट मेयर सर की सबसे पहले इमेज देखो, क्योंकि यही इमेज आएगी एग्ज़ाम में, अगर एग्ज़ाम में इमेज आती है तो। नहीं आती है, चांसेस कम होते हैं, बट आ भी सकती है, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 5 जुलाई 1904 को। कहाँ हुआ था? केप्टन जर्मनी में इनका जन्म हुआ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार माइंड में रख लो, क्योंकि अगर सवाल आ गया तो टिक हो जाएगा, सिर्फ माइंड में एक बार पढ़ लो, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलरेडी आस्क्ड इन नीट एग्जामिनेशन और डिफरेंट एग्जामिनेशन, ठीक है? तो द डार्विन ऑफ 20वीं शताब्दी का डार्विन किसे कहा जाता है? तो याद रखना, अर्नेस्ट मेयर को 20वीं शताब्दी का डार्विन कहा जाता है। तीसरा पॉइंट याद रखेंगे इनके बारे में, क्योंकि ये अब तक नहीं आया लेकिन हो सकता है आ जाए। इनको टाइटल भी दिया गया था, क्या? अलेक्जेंडर एगेजिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इमेरिटस का पूछ तो क्वेश्चन आ सकता है कि ये टर्म पूरा लिख देंगे और पूछेंगे ये टाइटल किस को दिया गया था, ये टाइटल अर्नेस्ट मेयर को दिया गया था। अगला सवाल, चौथा पॉइंट ये है कि आज के दौर में जो बायोलॉजिकल स्पीसीज की जो डेफिनेशन मौजूदा स्थिति में है, इसकी न्यू, इसकी शुरुआत, इसको दिया किसने था? इसको दिया था अर्नेस्ट मेयर साहब ने। ही पॉइंटेड द करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। नेक्स्ट, द मेयर वॉज अवॉर्डेड एज अ ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। इनको तीन बार ताज से नवाजा गया, अथवा तीन बार इनको पुरस्कार दिए गए। ये पहले पुरस्कार का नाम है बाल्जन प्राइज, दूसरे का नाम है इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, तीसरा है क्रॉफोर्ड प्राइज, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? मैंने यहाँ पर कब ये प्राइज़ मिले डेट नहीं लिखी है, बट आप एक बार क्या करना, डेट देख लेना, क्योंकि हो सकता है मैचिंग करवा लें, कुछ भरोसा थोड़ी है, ठीक है? तो याद रखना, इनको तीन बार प्राइज दिया गया, शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना, BIC, बाल्जन इंटरनेशनल और क्रॉफोर्ड प्राइज, ये तीन बार प्राइज दिए गए इनको दिए गए। अगला छठा पॉइंट है कि इनकी मृत्यु लगभग 100 साल की उम्र में हुई, 2004 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है? ये तो थी अर्नेस्ट मेयर के बारे में कुछ बातें, ठीक है? इसमें सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एंड लास्ट को छोड़ सकते हो, बाकी के जो चार पॉइंट हैं ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो साबित हो सकते हैं, एक बार नज़र डाल लो। नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है वो है कैथरीन इसायू। कैथरीन इसायू का जन्म कब हुआ था? सबसे पहले उनकी इमेज देखो, दूसरा उनका जन्म कब हुआ? उनका जन्म हुआ था यूक्रेन में। कब हुआ था? 1898 में उनका बर्थ हुआ था। सेकेंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? सी रिपोर्टेड इन हर अर्ली पब्लिकेशंस, मतलब मैम ने अब कोई किताब लिखी थी और उस किताब के शुरुआती पब्लिकेशन में, द अर्ली पब्लिकेशन में, उन्होंने एक वायरस का जिक्र किया है, दैट इज़ कर्ली टॉप वायरस। उन्होंने ये बताया जो कर्ली टॉप वायरस है, इसका स्प्रेड
अथवा इसका जो इन्फेक्शन है स्प्रेड थ्रू थ्रू अ प्लांट वाया फ्लोएम टिश्यू। प्लांट में फ्लोएम टिश्यू के द्वारा ये क्या होता है, स्प्रेड होता है। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। कर्ली टॉप वायरस का जिक्र किसने किया है, याद रखना कैथरीन ईसायू ने किया है। अगला तीसरा पॉइंट भी बहुत ज़्यादा खासा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार रख लो। डॉक्टर ईसायू की प्लांट एनाटॉमी का कब पब्लिश हुई थी, 1954 में पब्लिश्ड हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे हम लोग। चौथा पॉइंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मे बी आस्क्ड, दैट इज एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट। तो क्वेश्चन पूछ लें कि एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट बाई कैथरीन ईसायू वॉज पब्लिश्ड इन 1960। क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, इसलिए एक भी लाइन को आप स्किप मत करो, थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखना है बस। इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कर्ली टॉप वायरस का जिक्र, बाकी और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और इसी किताब को एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट बाई कैथरीन ईसायू की ही इस बुक को ही वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी से को भी कहा जाता है, इस किताब को ये नाम से भी कहा जाता है। याद रखना पांचवा पॉइंट, सी रिसीव नेशनल मेडल ऑफ साइंस फ्रॉम प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश। तो क्वेश्चन बहुत कम चांसेस हैं पूछने के, बट फिर भी एक बार माइंड में रखने से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ एक बार पढ़ लो, क्योंकि अगर एक बार पढ़े रहोगे ना पक्का सवाल हो जाएगा, गारंटी। ठीक है, तो याद रखना इनको मेडल से नवाजा गया था, नेशनल प्राइज ऑफ साइंस, नेशनल मेडल ऑफ साइंस से कब, 1989 में इनको नवाजा गया था, और इनकी मृत्यु हो गई 1997 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, याद रखना कर्ली टॉप वायरस का जिक्र और किसके थ्रू ये फैलता है, फ्लोएम टिश्यू के द्वारा। याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, छोड़ के बैठे हो जो लोग ना, मुस्कुरा देना एक बार। अगला, जी एन रामाचंद्रन, सबसे पहले उनकी इमेज देखिए कैसे वो दिखते थे सर। दूसरा, प्रोटीन स्ट्रक्चर में, प्रोटीन का जो संरचना है उसके बारे में बताने वालों में इनका भी नाम खूब रहा है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा याद रखेंगे, हिज डिस्कवरी ऑफ ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। याद रखना इनकी डिस्कवरी क्या रही, इन्होंने डिस्कवर किया क्या, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, प्रोटीन का जो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको पब्लिश किया था इन नेचर इन 1954 में, 1954 में नेचर में इन्होंने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर को बताया था, डिस्कवरी अपनी खोज के बारे में दर्शाया था। नेक्स्ट याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है सेकंड पॉइंट, याद रखना। ठीक है, दूसरा, ही वॉज बॉर्न ऑन अक्टूबर 8, 1922, 8 अक्टूबर 1922 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाली बात, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि इन्होंने बहुत पढ़ाई की थी अलग अलग जगह पर, तो याद रखना जब ये कैम्ब्रिज में पढ़ाई कर रहे थे तो वहाँ पर लिनियस पॉलिंग से मिले थे, और लिनियस पॉलिंग के अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा सीड स्ट्रक्चर से काफ़ी प्रभावित हुए और वही स्ट्रक्चर इनको कोलेजन प्रोटीन के कोलेजन के स्ट्रक्चर को सॉल्व करने में काफ़ी मदद किए। ठीक है, उसके बाद इनकी मृत्यु 78 साल की उम्र में 7 अप्रैल 2001 में इनकी मृत्यु हो गई। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट ओनली, अदर पॉइंट अगर आपको नहीं भी याद रहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, याद रखना। इसके पहले कैथरीन के बारे में, कैथरीन ईसायू मैम के बारे में, कर्ली टॉप वायरस के बारे में बताया, इन्होंने याद रखना, इन्होंने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन बताया, याद रखना, पब्लिश इन नेचर मतलब नेचर नामक पुस्तक में इन्होंने पब्लिश कराया था। ठीक है, अगला आता है मेलविन केल्विन साहब, पैसे सबसे पहले उनकी इमेज देखो आप लोग, अच्छे लगेंगे कि देखो कितने अच्छे हैं, और इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हो। सबसे पहले इनका जन्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार अपने आप पढ़ लो आप। ठीक है, अप्रैल 1911 में इनका जन्म हुआ था। अब इंपॉर्टेंट है, देखो ये वो उस दौरान की बात है जब वर्ल्ड वार सेकेंड और हिरोशिमा नागासाकी में कैसे रेडियो एक्टिविटी से सब लोग जूझ रहे थे, और मतलब कि वहाँ पर सब लोग उसके बैड इफ़ेक्ट के बारे में देख रहे थे, उसी समय उन्होंने रेडियो एक्टिविटी के बेनिफिशियल यूज़ के बारे में बताया था। ये और इनके दोस्तों, इनके साथियों ने मिलकर रेडियो एक्टिविटी के बेनिफिशियल यूज़ के बारे में बताया था। ठीक है, याद रखना। फिर तीसरा पॉइंट याद रखना, तीसरे पॉइंट में इन्होंने अपने एक मित्र जिनका नाम था J.A. Bassam ने के साथ इन्होंने ये स्टडी किया, ग्रीन प्लांट पर स्टडी करी, और ये पाया कि प्लांट कैसे शुगर का निर्माण करता है, शुगर या दूसरे तत्वों का निर्माण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल का इस्तेमाल करके। और उन्होंने उस समय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन 14 का इस्तेमाल करके ये चीज़ें पता लगाई, और एक ये बताया कि कैसे प्लांट शुगर का निर्माण करता है।
ठीक है। उसके बाद चौथा पॉइंट यह था ना, कैल्विन ने ये बताया कि प्लांट चेंज लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और प्लांट लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करता है, ये बात बहुत अच्छे से इन्होंने बताई थी। ठीक है, एक बार पढ़ना ध्यान से मैं। उसके बाद पांचवे पॉइंट में इन्होंने फोटोसिंथेसिस के पूरे पाथवे में कि एक फोटोसिंथेसिस में कैसे पाथवे में कैसे चीज़ें जो होती हैं कार्बन कैसे एसिमिलेट करता है, कार्बन का एसिमिलेशन फोटोसिंथेसिस में किस प्रकार होता है, इसका एक पूरा मैप बना कर दिया था, जिसके लिए उन्होंने इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था 1961 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। अब तक जितने लोगों ने पढ़ा किसी को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, इनको नोबेल प्राइज़ मिला। ठीक, अल्फेंसो कॉर्टी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये एक एनाटॉमिस्ट थे, इटली से बिलोंग करते थे और इनका जन्म 1822 में हुआ था। ठीक है, कॉर्टी ने अपने शुरू जब उन्होंने वैज्ञानिक तौर पर उन्होंने कार्य करना शुरू किया था, शुरुआती दौर में उन्होंने रेप्टाइल्स के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर पढ़ाई करना शुरू करी थी। बाद में इनका अटेंशन मैबलिंग मैमल की तरफ गया और मैबलिंग मैमल के ऑर्डिनरी सिस्टम पर पढ़ाई करना इन्होंने शुरू किया। और फिर उन्होंने 1851 में उनको सफलता मिली और उन्होंने एक पेपर पब्लिश कराया और जिस पर उन्होंने ये बताया था कि एक स्ट्रक्चर कोकलिया के स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन बेसल मेम्ब्रेन ऑफ कोकलिया के बेसल मेम्ब्रेन पर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसमें हेयर सेल्स होते हैं और वही हेयर सेल्स साउंड वाइब्रेशंस को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, इसलिए उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का नाम ऑर्गन ऑफ कॉर्टी रख दिया गया। याद रखना, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी एक वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया। ठीक है, अल्फोंसो कॉर्टी उनका पूरा नाम है। ठीक है, जिनकी मृत्यु 1888 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अगले साइंटिस्ट पे देखते हैं। अगले साइंटिस्ट हैं हमारे लुईस पाश्चर साहब, जिनके बारे में बचपन से आप सुनते आओगे, क्लास छोटी कक्षाओं में पढ़ाए जाते हैं। तो इनका पहले देख लीजिए कैसे दिखते थे ये, फिर इनके बारे में थोड़ी चार पांच पॉइंट मैंने लिखे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। सबसे पहली बात, फर्मेंटेशन शब्द इन्होंने दिया था। दूसरा, नेम वायरस इन्होंने दिया है। ठीक है, उसके बाद वैक्सीनेशंस का प्रिंसिपल भी इन्होंने दिया था। उसके बाद पॉस्चराइजेशन टेक्निक भी इन्होंने दी थी। अगला, रेबीज़ की वैक्सीन का की खोज भी अथवा डिस्कवरी भी इनके द्वारा ही की गई थी। ये थे आज के लेक्चर में जितने भी साइंटिस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी अच्छे अच्छे साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू, बाय बाय। और एक काम करना, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो प्लीज़ गाइज़। थैंक यू।